देखो सरी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि जो आदमी व्यभिचारी बुद्धि का होता है, व्यभिचारी बुद्धि का मतलब क्या होता है, अभी एक गुरु की बात सुन ली, फिर एक महीना बाद दूसरे गुरु की बात सुन ली, फिर तीसरे गुरु की बात सुन ली, बहुत सारे गुरुओं की बात सुन रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि व्यभिचारी बुद्धि से क्या होता है, संशय पैदा होते हैं। संशय यानी शंका है, डाउट्स पैदा होते हैं। और जब डाउट्स पैदा होते हैं तो आदमी फिर ध्यान के मार्ग में, एक गुरु के बताए हुए मार्ग में नहीं चल पाता है। और जब एक गुरु के मार्ग में नहीं चल पाता है तो जैसा किसी ने कहा है कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, अगर एक परमात्मा के मार्ग में, एक मार्ग में आप नहीं चले तो फिर क्या करता है वो आदमी, पागल जैसा 10 जगह गड्ढे खोदता है और 10 जगह गड्ढे खोदने से पानी कहीं भी नहीं निकलता, कुआं कहीं नहीं खुदता। अगर 10 जगह की ताकत वो एक ही जगह लगाता है तो वही कुआं खुद जाता, पानी निकल जाता, मीठा पानी पीने मिलता। ऐसे ही अगर एक गुरु के आश्रम में, पहले गुरु बनाने के पहले आप तय कर लो भाई, गुरु बनाने के पहले आप तय कर लो कि आपको गुरु बनाना कि नहीं बनाना। एकदम भावुकता में गुरु मत बनाओ, देखभाल के बना लो। बना लिया, अब जब आपने गुरु बना लिया, इसके बाद अब आपको क्या करना है, उस गुरु के मार्गदर्शन में वैसे चलना है जिसे हमारे भारतीय संस्कृति में क्या होता है, शादी के पहले लड़की भी कई लड़के देखती है और लड़का भी कई लड़के देखता है। लेकिन जब वो एक लड़की को तय कर लेता है लड़का, या एक लड़की एक लड़के को तय कर लेती है, दोनों शादी कर लेते हैं, फिर वो जीवन भर और किसी लड़की की तरफ लड़का नहीं देखता और लड़की लड़के की तरफ नहीं देखती है। इसी को हमारे यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की पवित्रता और ईमानदारी कहा है। तो इसी तरह से इसी उदाहरण को ले चलो यहाँ, तो गुरु तुमने बना लिया। अब तुमने गुरु बना लिया तो क्या होगा कि अपने गुरु की जो बात है बस वो तुमको सुनना है और उस पर तुम्हें चलना है। ऐसा नहीं कि दूसरे गुरुओं की बात सुन रहे हो फिर उन बातों को लेके गुरु के सामने तर्क कर रहे हो, फिर गुरु की खोपड़ी खा रहे हो, तुमको ध्यान में आने कुछ करना नहीं है, तुम गुरु से तर्क वितर्क करके गुरु को भी परेशान कर रहे हो, उसका टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो। तो इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संशय आत्मा विनश्यते, जो संशय करता है वो आदमी का नाश हो जाता है। फिर उन्होंने इसी बात को अव्यभिचारिणी बुद्धि कहा कि जो अव्यभिचारिणी बुद्धि से जिएगा वही परमात्मा तक जाएगा, और जो व्यभिचारिणी बुद्धि में जाएगा, व्यभिचार मतलब होता है जैसे कि व्यभिचार शब्द यानी उससे ही लिया गया है कि जैसे कोई स्त्री है 25 दूसरे आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो या उनके साथ जीवन जी रही हो, और फिर वो अपने आदमी के साथ कैसे ईमानदारी से रह सकती है। तो ऐसे ही वो जो व्यक्ति, या पुरुष को ले लो, चलो स्त्री की जगह पुरुष को भी ले लो, तो वो जो व्यक्ति जो 50 गुरुओं की बात सुनेगा वो व्यक्ति कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि 50 गुरुओं की बात सुनने से उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, वो निर्णय नहीं कर पाएगा कौन सी साधना करना ठीक है कौन सी साधना नहीं करना ठीक है। क्यों कि जो आदमी जिज्ञासु को तो मालूम नहीं है कि कौन जागृत गुरु है और कौन ढोंगी गुरु है और कौन सही गुरु है और कौन फेक गुरु है, उसको तो नहीं मालूम बेचारे गरीब को। वो तो क्या है, बहुत सारे गुरु किताबें पढ़ पढ़ के भी बात बताते हैं और वो किताबें भी टिका देते हैं कि किताब पढ़ो, चलो तुम भगवती गीता पढ़ो, किसी को कहते तुम रामायण पढ़ो, किसी को कहते तुम भागवत पढ़ो, किसी को कह देते हैं कि तुम योग वशिष्ठ पढ़ो, ऐसे उसको वो उनको कुछ नहीं मालूम, वो टिका देते ये पढ़ लो, ये कर लो, ये मंत्र जप लो, ये कर लो। तो इस तरह से क्या है वो भ्रमित हो जाता है। अच्छा फिर दूसरी बात है देवी देवताओं की बड़ी कल्पना परिकल्पना चली हुई है। कुछ शंकर का भगत है तो जो शंकर का भगत है वो देवी जी को नहीं मानता, जो देवी का भगत है वो शंकर को नहीं मानता, जो विष्णु का भगत है वो शंकर को नहीं मानता, जो शंकर भगत है वो विष्णु को नहीं मानता, विष्णु को वो शंकर से छोटा समझता है और जो विष्णु का भगत है वो शंकर को छोटा समझता है। तो ये इस तरह का जो एक जंजाल चला हुआ आध्यात्मिक क्षेत्र में, माया जाल चला, इसमें फंस के कई लोग मर गए और कई मर जाते हैं। तो अब बात क्या है, मेरा कोई भी शिष्य यदि मुझसे दीक्षा लेने के बाद किसी और गुरु की पोस्ट पड़ेगा और किसी और गुरु की फोटो डालेगा और किसी और गुरु का सम्मान करेगा तो समझ लो उस वो जो है व्यभिचारी बुद्धि का आदमी है, उसको ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने अप्रत्यक्ष रूप से
मेरे पे विश्वास उसका नष्ट हो गया, तभी तो ना दूसरे की चीज पढ़ रहा है वो। अगर उसको मेरे पे विश्वास होता तो वो दूसरे की चीज काहे को पढ़ता। जिस आदमी को अपने घर का खाने पर का स्वाद नहीं है वही तो होटल में जाकर खाना खाएगा। जिसको अपने घर का बना हुआ भोजन अच्छा लगता है वो होटल में जाकर खाना क्यों खाएगा। तो इसी तरह से जो आदमी 17-15 गुरुओं की पोस्ट पढ़ेगा और फिर उनको पोस्ट पढ़ने के बाद बुद्धि की, जैसे जो जानवर होता है वो पहले चारा भूसा खा लेता है फिर उसकी जुगाली करता है, ऐसे उसकी बुद्धि में तरह तरह के बात विवाद तरह तरह का मटेरियल लेकर बाद में फिर वो क्या करता है उन पर विचार करता है और विचार करके गुरु के ऊपर कचरा फेंकता है। तो उससे क्या होता है, उससे गुरु रूपी जो अस्तित्व है वो उससे नाराज होता हो जाता है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता, उसको ज्ञान नहीं हो पाएगा। और इसी तर्क वितर्क में क्या करता है, वो गुरु से कुछ ऐसे शब्द बोल जाता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए, तो उससे उसका मनुष्य जन्म का भी नाश हो जाता है, शायद अगला मनुष्य का जन्म भी उसको नहीं मिले। क्योंकि गुरु का अपमान काक भूषण जी ने किया तो उनको सर्प बनना पड़ा 1000 साल तक और 84 लाख योनियों में, कई योनियों में जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए गुरु का अपमान करने का उदाहरण आया हुआ है काक भूषण का। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था उनको। ये श्राप ऐसा नहीं कि कोई आके शंकर भगवान खड़े होकर त्रिशूल लेकर श्राप दे देंगे, ये शंकर का मतलब है कि तुम्हारे अंदर मौजूद जो परमात्मा है वो तुम्हारे से नाराज हो जाएगा, यानी वो तुमको श्रापित कर देगा और तुम जो है फिर जन्म मरण के चक्कर में दोबारा चले जाओगे। इसलिए सदगुरु कई बार कहता है, जैसे गोरक्षनाथ जी ने कहा, कोई वादी कोई विवादी योगी को बाध नहीं करना, 68 तीर्थ समुद्र समाये योगी को गुरु मुख जाना। ये सब गोरखनाथ जी ने कहा कि कोई बात करता है कोई विवाद करता है, योगी को बात विवाद नहीं करना चाहिए, योगी को तो वैसे रहना चाहिए, गुरु ने जो कह दिया वो अब करना चाहिए। अच्छा, और भी बात हम बताएं कि यही की बात बहुत सारे संतों ने कही है, कि यही बात बहुत सारे संतों ने कही है कि कश्मीर शैव तंत्र नाम का एक तंत्र है, कश्मीर शैव तंत्र, उसमें भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि गुरु रूपाय, गुरु ही उपाय है। और रामचरितमानस में भी कहा है, जो बिरंच शंकर सम होई बिन गुरु भवनी दी तरह के कोई, है ना। सारे ग्रंथ सारे संत सारे महात्मा एक ही बात कहते हैं कि ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने फिर गीता में कहा, सर्व धर्मान पर तज्य माम एकम शरणम ब्रजा, हे अर्जुन तू सारी चीजों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। तो उससे क्या होता है, इधर उधर भटकने से क्या होता है, गुरु की शरण आदमी नहीं ले पाता, गुरु की शरण को छोड़ देता है। तो वैसा काम हो जाता है कि कोई आदमी जंगल में रहता हो और अपनी सुरक्षित जगह को छोड़कर जंगल में भटक जाए तो उसको शेर चीते खा जाते हैं। ऐसे ही उस जीवात्मा को काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि उसको खा जाते हैं, और उन्हीं के जो एजेंट ढोंगी गुरु हैं अनेक प्रकार के माया के विवाद चला रहे हैं, माया के पंथ चला रहे हैं, माया के अनेक प्रकार के माया के भूल भुलाइयों के भटकाव के रास्ते चला रहे हैं, उन्हीं चक्कर में वो जाके फंस जाता है। और आखिर में जाके वो वाली बात होती है जैसे ठग आदमी का धन लूटकर उसकी हत्या कर देते हैं, ऐसे माया उसके जीवन का धन लूटकर और उसको जन्म मरण में फेंक देती है। ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर।